मल्लिका के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करने को लेकर सुमेध का रिएक्शन। बिल्कुल देख पाएंगे, वो जैसा प्लान बनेगा अगर हम करते हैं साथ में तो जरूर देखेंगे। टेलीटॉक के साथ अपने एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान सुमेध ने किया खुलासा। If in future such project comes and we are able to do that, we'll definitely do that. जी हाँ, पॉपुलर सीरियल राधा कृष्ण के कृष्ण और राधा यानी टीवी स्टार सुमेध मुदगलकर और मल्लिका सिंह टीवी इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर बनाई है अपने चाहने वालों के दिलों में अपनी खास पहचान। और यही वजह है कि जब जब सुमेध और मल्लिका साथ आते हैं नजर, तब तब फैंस दोनों पर लुटाते हैं अपना ढेर सारा प्यार। वहीं जब टेलीटॉक ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान सुमेध मुदगलकर से किया सवाल कि आखिर सुमेध और मल्लिका कब आ सकते हैं किसी म्यूजिक वीडियो में एक साथ नजर, तब क्या कुछ कहना था सुमेध का, आइए आपको सुनाते हैं। आपको कभी इसे किसी एल्बम में देख पाएंगे? क्योंकि इसको देखने के बाद 100% लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि मतलब आप दोनों साथ में होते हैं, ऐसा कुछ होता, आप कभी देख पाएंगे साथ में? बिल्कुल देख पाएंगे, वो जैसा प्लान बनेगा अगर हम करते हैं साथ में तो ज़रूर देखेंगे। और वही एक है कि मेरी और मल्लिका की केमिस्ट्री आई थिंक सो बहुत ही लोगों की फेवरेट, हमें बेस्ट जोड़ी का अवार्ड भी मिला है, तो वो भी एक हो जाता है कि फिर और किसी के साथ लोग देखना चाहें नहीं देखना चाहें तो वो भी एक टास्क होता है। बट देन अगेन ये सोचने बैठोगे तब आते हैं ख्याल, बट यूजुअली काम आता है, मैं काम करता हूँ अपना, फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है सोचने का लाइफ में। बट जो फैंस आपको देख रहे हैं वो उनकी भी यही इच्छा होगी, या हमेशा आपको भी मैसेज आता होगा यार कि साथ में कब ऐसा कुछ वीडियो आएगा, तो उनके लिए कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे। इफ इन फ्यूचर सच प्रोजेक्ट कम्स एंड वी आर एबल टू डू दैट, वी विल डेफिनेटली डू दैट। फॉर आवर फैंस आई थिंक सो आई एम इन फॉर इट। देखते हैं जब ऐसा कभी कुछ आता है, एंड आई वुड जेन्युइनली वांट कि जब ऐसी चीज़ हो तो वो काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके, है ना। वेल, अब सुमेध मुदगलकर और मल्लिका के फैंस की ये विश कब होगी पूरी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।